मैंने नेम सेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना स्टार्ट शुरू किया। मेरा ड्रॉप ईयर था तो मुझे ये बड़ा लगता भी था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। जो सर का ही स्टडी मटेरियल है, अगर उसी को मैं 3-4 बार और सॉल्व कर लूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए एक और नए टॉपर से मिलते हैं। निमसेट 22 के आकाश नाम है, जिनकी 415 रैंक है और इनको एनआईटी भोपाल अलॉट हुआ। तो सबसे पहले तो एनआईटी भोपाल के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और मैं आकाश के बारे में बताना चाहूंगा कि आकाश का ड्रॉप ईयर था, पर लास्ट ईयर इन्होंने एग्जाम नहीं दिया था, एग्जाम फर्स्ट टाइम दिया और फर्स्ट टाइम में ये रैंक अचीव की। तो मैं चाहूंगा आप अपनी सक्सेस जर्नी जो है वो इंटायर बताएं, और क्यों लास्ट ईयर नहीं दिया था, कब आपने निमसेट का सोचा और इस साल प्रिपरेशन कैसे की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है आकाश कुमार, मेरी ऑल इंडिया रैंक 415 आई है। मैं जपला झारखंड से बिलोंग करता हूँ। मुझे निमसेट के बारे में अपने BCA पार्ट टू में पता चल गया था, पर मैंने निमसेट का लास्ट ईयर अटेम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि उसके पीछे के कारण था कि मुझे एक कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा BCA में 60% क्रॉस कर पाएगा कि नहीं, जिसके वजह से मैं डाउट में था। और मैंने सोचा कि मेरा जब ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाता है और अगर मैं 60% क्रॉस कर जाता हूँ, इसके बाद ही मैं निमसेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। फिर मैंने कोविड की वजह से हम लोगों का एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। जो मेरा 2020 में एग्ज़ाम होने वाला था वो मेरा हुआ 2021 में, और लकली था कि मैंने 60% क्रॉस किया। मैंने नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से BCA कंप्लीट की है और वहाँ पे मैं अपना यूनिवर्सिटी में रैंक होल्डर भी रहा। इसके बाद मैंने निमसेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना स्टार्ट शुरू किया। इम्पिटस गुरुकुल को मैंने ज्वाइन किया था अप्रैल में। अप्रैल में सर का पहला बैच, नहीं मई में शायद सर का पहला बैच स्टार्ट होने वाला था। फिर मैंने बैच स्टार्ट होने से 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया था, और फिर मैंने अपने प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैं घर पर रहकर ही प्रिपरेशन कर रहा था। प्रिपरेशन के दौरान 3-4 महीने मैं घर पर ही रहा, और उसके बाद मुझे लगा कि घर से नहीं हो पा रहा है। इसके बाद मैं रांची चला गया था। मैं भोपाल नहीं आना चाह रहा था, क्योंकि भोपाल मेरे घर से बहुत दूर था और घर पर रह के पढ़ाई नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैं सोचा कि मैं रांची चला जाता हूँ, वहाँ पर मैं लाइब्रेरी ज्वाइन कर लूँगा और वहाँ से ही मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूँ। मेरा ड्रॉप ईयर था तो मुझे ये बड़ा लगता भी था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरे ड्रॉप ईयर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता था, लेकिन मुझे मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा। मेरे भैया का मेरे ज़्यादा बहुत सपोर्ट रहा। उनका कहना था कि अगर इस बार नहीं भी होता है तो आप नेक्स्ट साल दो, नेक्स्ट साल में कन्फर्म हो जाएगा। घर से भी मुझे किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया गया, और मुझे फैमिली सपोर्ट बहुत एक्सट्रीम लेवल पर मिला। मैं बाहर रह भी रहा था तो मुझे घर से कभी कॉल करके पूछा नहीं गया कि बेटा क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। उन्हें मेरे मुझ पर भरोसा था कि मैं जो भी कर रहा हूँगा सही कर रहा हूँगा। प्रिपरेशन के दौरान मुझसे थोड़ी बहुत गलती ये हुई कि मैं जो स्टडी मटेरियल इम्पिटस का था उसको मैंने 2-3 बार ही सॉल्व किया, और उसके बाद मैं सेल्फ स्कोर जैसे बुक को सॉल्व करने लगा था। लास्ट में जब जनवरी का टाइम चल रहा था तो मुझे लगा कि ये सब सब जो बुक्स हैं उसका करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जो सर का ही स्टडी मटेरियल है, अगर उसी को मैं 3-4 बार और सॉल्व कर लूँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। लास्ट में मैंने जनवरी लास्ट में सारे के सारे बुक्स को क्विट कर दिया। मैंने कोई भी बुक सॉल्व नहीं की। इसके बाद जो इम्पिटस का मुझे स्टडी मटेरियल मिला था उसको मैंने 3 से 4 बार और सॉल्व किया, जिससे जा करके मॉक में मेरे स्टार्टिंग में जब टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे थे तो इम्पिटस में मेरा बहुत अच्छा रैंक चल रहा था। प्रोबेबिलिटी में मेरी एक बार सेकेंड रैंक भी आई थी इम्पिटस में, लेकिन वो टाइम के साथ धीरे धीरे डिक्रीज ही कर देगी। रैंक कभी सुधरी नहीं इधर उधर के बुक करने की वजह से। जब मुझे लगा कि नहीं, बुक वगैरह से ज़्यादा बेनिफिशियल है कि मैं इम्पिटस का ही स्टडी मटेरियल सॉल्व करूँ, तो मैंने वही किया और फाइनली मेरी रैंक आज 415 और मुझे अभी NIT भोपाल अलॉट हुआ है। देखिए जैसा अभी आकाश ने बोला, रैंक भी बहुत अच्छी है। लास्ट ईयर केवल ये डर था, जबकि यूनिवर्सिटी में इन्होंने टॉप किया उसके बाद भी मन में डर था, कहीं मान लो 60% नहीं बने, ऐसा कई बच्चों के साथ होता है, मैंने देखा है। पर मैं आप सभी को बोलूंगा कि अगर आप सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में, तो सबसे अच्छा समय होता है आप जबी से ज्वाइन करें, फर्स्ट ईयर में तो करें। पर एनीवे, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीच में, क्योंकि मैं बहुत मटेरियल देता हूं, इम्पिटस में बहुत मटेरियल मिलता है, अगर उसको ही कर ले तो सफिशियंट है। पर कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि और गाइड कर लें, जो इन्होंने खुद के एक्सपीरियंस से ले लिया कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसका थोड़ा नुकसान ही हो गया। तो एनीवे, पर अंत अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। अच्छा, आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे आपने कहा कि गाइड कर ली, ये कर ली, तो आपका स्ट्रांगली मैसेज क्या होगा? स्ट्रांगली मैसेज यही रहेगा कि सेल्फ स्कोरर, RD शर्मा, ये सब सब आप तभी करें जब इम्पिटस का या फिर जो भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं इम्पिटस में था तो स्टडी मटेरियल को जब तक 5 बार 6 बार 7 बार पूरा अच्छी तरीके से जब तक सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक किसी भी बुक पे स्विच करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कोचिंग का ही स्टडी मटेरियल को बार बार कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ऑल्दो कि अगर आप एक बुक को एक बार सॉल्व करें। मैं मेरे एक तरफ से सिर्फ जूनियर्स को यही मैसेज रहेगा
और कुछ नहीं। और ये भी कि कंप्यूटर सेक्शन और लॉजिकल रीजनिंग पे भी स्टार्टिंग से ही ध्यान दे, मेरी रैंक और इम्प्रूव हो सकती अगर मैंने कंप्यूटर पे और ज़्यादा ध्यान दिया होता। मैंने कंप्यूटर को लगभग क्विट कर दिया था, मेरी जो रैंक आई वो मोस्टली मैथ्स की वजह से ही आई, क्योंकि मैंने मैथ में 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और उसमें भी मेरे 37 करेक्ट हो गए थे, और एक जो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था वो सिर्फ और सिर्फ मिसरीडिंग की वजह से, उसमें मुझे चूज करना था रॉन्ग वन और मैंने राइट वन को टिक करके निकल गया। तो ये सब थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक्स होती हैं, एग्जाम में थोड़ा सा जो प्रेशर होता है वो हैंडल नहीं कर पाया, नहीं तो मेरा और अच्छा रैंक आ सकता था। तो मैं जूनियर्स को यही सलाह दूंगा कि प्रेशर मेंटेन करने का कोशिश अभी के मॉक टेस्ट से पेपर से करना स्टार्ट करें, और की पॉइंट्स को जरूर थोड़ा ध्यान में रखा करें। मेरे जैसी गलती नहीं कि चूज द राइट वन में आप चूज द रॉन्ग वन, चूज द रॉन्ग वन में चूज द राइट वन कर ले, ये सारी गलतियां ना करें। और कंप्यूटर पे भी स्टार्टिंग से ही ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जो नंबर्स होते हैं वो आपको रैंक बूस्ट कर देते हैं। तो मेरे तरफ से जूनियर्स को यही मैसेज रहेगा। बिल्कुल सही बात बोली आकाश ने, छोटी छोटी बातें। मैं हमेशा एग्जाम में बोलता था ना, राइट वन और रॉन्ग वन ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, और वही बाई चांस गलत हो गया। एनीवे, तो आपको हर सब्जेक्ट पे ध्यान देने की जरूरत होती है, और इंग्लिश और कंप्यूटर क्या होता है वो आपकी कहीं ना कहीं रैंक बूस्ट कर देते हैं, तो नो डाउट। तो चलिए आकाश, आपको NIT भोपाल के लिए अगेंस्ट ढेर सारी शुभकामनाएं, वहां पर भी जाके ऐसे ही परफॉर्म करो। थैंक यू।